हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिसम भाई पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि वन ईयर बाद यानी कि एक साल बाद आप अपनी ज़िंदगी पे कहाँ पर होगे, आपकी लाइफ किस तरीके की रहेगी। ठीक है, पूरी तरीके से डिटेल में देखने वाले हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है एंड जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है। आप सब देख सकते हैं, नो मैटर आपका कल्चर क्या है, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, नो मैटर आपका सेक्सुअलिटी क्या है, आप सभी के लिए है गाइस, आप सब देख सकते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में इंस्टा में भी जरूर फॉलो करें, इंस्टा की आईडी है मिस्टिसिज्म बाई पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पर आपको स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएंगे डेली बेसिस पे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और फ्री रीडिंग्स पे वहाँ पर मैं फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको द स्टार कार्ड को चूज करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको नाइन ऑफ कॉइंस कार्ड को चूज करना है। ओके, सो आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं कार्ड्स को। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने चूज किया है द स्टार कार्ड को, तो देख लेते हैं एक साल बाद आप अपनी जिंदगी में कहां पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपने चूज़ किया है द स्टार कार्ड को, तो क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप इस वक्त अभी जिस भी सिचुएशन में हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हील्ड आप एक साल बाद फील करने वाले हैं। आप एक साल बाद फील करने वाले हैं कि जो चीज़ आपसे दूर हो गई थी, जो चीज़ आपने खो दिया था, वो सारी चीज़ें आपके पास लौट कर वापस आ गई हैं। अब ये कोई चीज़ हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है, किसी के साथ कोई रिश्ता हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ जिससे आपको लगता है कि आपके हाथ से छूट गया, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, आपने किसी को खो दिया या किसी चीज़ को खो दिया, वो सारी चीज़ें आपको किसी ना किसी फॉर्म में वापस आता हुआ दिख जाएगा और वो आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे वो सारी चीज़ें। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा हील्ड फील करेंगे। अब आप जैसे भी हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हैप्पी, कहीं गुना ज़्यादा रिलैक्स्ड आप एक साल बाद फील करने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे कि भले आपको वक्त लगा, भले ही आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, लेकिन फाइनली अब सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल चुकी हैं। फाइनली अब आपके दिल में एक सुकून है, एक शांति है और फाइनली आप अपने ज़िंदगी में आराम से जी पा रहे हैं, ऐसा फीलिंग आपको होने वाला है एक साल बाद। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ओके, लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have attachment. We have positivity. Wow. सो यहाँ पे है नंबर फाइव अटैचमेंट। तो नंबर फाइव आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपका बर्थ मंथ हो सकता है फाइव, या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है फाइव। ठीक है, एनीवे, या फिर फाइव नंबर आपके लिए किसी ना किसी तरीके से इंपॉर्टेंस रख सकता है, आपके फैमिली में पेरेंट्स का या किसी का भी फाइव नंबर जुड़ा हुआ हो सकता है किसी चीज़ से। सो अटैचमेंट से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक साल बाद आप अपने लाइफ में सारी तरीके के बांधाव से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, जो चीज़ें आपके लाइफ में इस तरीके से है कि आपको रोक देती है आगे बढ़ने से, कोई इंसान हो सकता है आपको डोमिनेट करता हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आप जी रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ से आप छुटकारा चाहते हो, किसी चीज़ से आप फ्री होना चाहते हो, किसी चीज़ को आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आपकी लाइफस्टाइल हो, अगर आपको कोई एडिक्शन है, तो सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि जो भी टॉक्सिक चीज़ें आपके लाइफ में हैं, जिस चीज़ से आपके अटैचमेंट बढ़ गया है या फिर आपको लत लग गई है, हैबिट हो गया है और आप चाहते हैं कि आप उस सिचुएशन से, उस लोगों से या फिर उस एनर्जी से निकलें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही इस वक्त में, एक साल बाद आप उन सारी बाधाओं से, उन सारी प्रॉब्लम से, उन सारी एडिक्शन या हैबिट से निकल के आ जाएंगे। तो एक साल बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो गई है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, अगर कोई एडिक्शन थी तो उससे आपको छुटकारा मिलना शुरू हो गया या फिर एक कंट्रोल में आ गया जहाँ पर आप अब एडिक्टेड नहीं रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है आपकी हेल्थ में। ठीक है,
आपके ज़िंदगी में रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है या डोमिनेट करता है, उस इंसान की एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। कोई यू नो बैड अटैचमेंट है किसी चीज़ की, यू नो चाहत बहुत है जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई यू नो लाइक सेक्शुअल यू नो फैंटसीज़ हैं या फिर कुछ ऐसे अटैचमेंट्स या कुछ ऐसे लेवल के एनर्जीज़ हैं, तो उन सारी चीज़ों पे आप कंट्रोल ला पाएंगे। एक साल बाद आपको नज़र आएगा कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत हद तक चेंज हुई है, बहुत ज़्यादा हेल्थी हुई है और बहुत ज़्यादा यू नो एक सुकून मिलेगा आपको एक साल बाद। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है विद द पॉजिटिविटी कार्ड। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक साल बाद आप ऐसे ऐसे लोगों से जुड़ने वाले हैं जो कि दिल के बहुत साफ, जो कि बहुत अच्छे, जो कि एक अच्छा लाइफ जीने वाले इंसान होने वाले हैं। तो आप किसी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं और एक साल बाद चांसेस हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तंत्र प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कुछ सीख सकते हैं। मुझे लगता है किसी नए ग्रुप के लोगों से मिलोगे जिस तरीके के लोगों से आप कभी मिले नहीं हों और वो आपके सोल ट्राइब भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल लोगों से मिलने वाले हैं, उनके कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाले हैं। आप हो सकते हैं सोशल वर्क में भी जुड़ जाएंगे, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप लेस फॉर्चुनेट को मदद करने के लिए यू नो किसी ग्रुप के साथ, किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाओगे एक साल के अंदर अंदर। ये एनर्जी मुझे दिख रही है और आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाने वाला है एक साल बाद, क्योंकि आपको समझ आएगा कि रियलिटी क्या है लाइफ की, ठीक है। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा आप यू नो प्रैक्टिकली सोचते हो, तो आपको बेसिकली एक 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 रियलिटी के बारे में पता चलेगा कि आप जिस चीज़ के लिए हसल कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या वो असलियत में रियलिटी है, क्या उसमें कोई सच्चाई है भी या नहीं। तो मुझे यह लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप ग्रो करने वाले हैं और एक साल बाद आप एक ऐसे जगह में अपने आप को पाएंगे जहाँ पर आपके दिल में किसी चीज़ की यू नो डिस्परेट वाली एनर्जी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा चाहत नहीं रहेगी, एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेंगे, लालच नहीं रहेगा आपके मन में। आपको ऐसा फील होगा कि जितना मिला है उतना बहुत ही ज़्यादा, मोर देन इनफ है, और अब हमें शांति की तलाश में जाना है, सुकून की तलाश में जाना है, ठीक है। लाइफ में सुकून, लाइफ में शांति कभी भी पैसों के पीछे भागकर या फिर यू नो करियर में स्टेबिलिटी लाकर ये सब कभी नहीं मिलती। सुकून तभी मिलता है जब हम अपने आत्मा को रिलैक्सेशन देते हैं, जब हम यू नो अपने पूरे लाइफ में शांति रखते हैं, लेकिन उस शांति से यू नो ब्रेड एंड बटर तो नहीं चल सकता, इजेंट इट। तो एक टाइम आता है जब इंसान यू नो बहुत काम कर लेता है और उसको फाइनली लगता है कि अब मुझे यू नो एक ब्रेक चाहिए। तो वैसे वाली ब्रेक मुझे लगता है एक साल बाद आपको मिलेगी, जिसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, समझोगे और बहुत कुछ यू नो रिलीज़ करोगे, बहुत कुछ रियलाइज़ करोगे। ऐसी वाली एनर्जी है, बहुत कुछ एलिमिनेट करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट भी करोगे, ठीक है, और बहुत हद तक सक्सेसफुल। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, एक साल बाद आप अपने आप को एक बहुत ही अच्छे कंडीशन में, बहुत ही अच्छे प्लेस पर और बहुत ही अच्छे सिचुएशन में पाओगे, ठीक है। ये एनर्जियाँ दिख रही है, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have eight of a nine of swords. We have six of wands. तो एक साल बाद बहुत लोगों की आपकी मैरिज भी हो सकती है, हो सकता है कि आपकी शादी हो जाए एक साल बाद, या तो शादी फिक्स हो या फिर आप फाइनली शादी करके यू नो सेटल डाउन कर जाओ और शादी के बाद आपको बहुत अच्छा फील हो कि फाइनली कोई है आपके पास जो आपका ख्याल रखे या फिर आपके साथ रहे, आप अकेले नहीं हो, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज आर देयर। जस्टिस, ओके, तो यस, एक साल बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे, आपके लाइफ से सारे तनाव दूर हो जाएंगे, एक अच्छा शेड्यूल आपके लाइफ में आ जाएगा। अगर आपको नींद नहीं आती है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, ठीक है, मेंटली बहुत सफ़र करते रहते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तो रिकवर कर जाओगे। एक साल बाद आपको नज़र आएगा कि आप पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हुए हो, बहुत ज़्यादा हेल्थी हुए हो और अभी आपको पूरा टाइम मिल रहा है टाइम से सोने का, टाइम से खाने के लिए, टाइम से सोने के लिए, मन में कोई चिंता नहीं है, स्ट्रेस नहीं है कि कैसे क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा पीसफुल वाले सिचुएशन में आप अपने आप को देखोगे एक साल बाद। तो मुझे लगता है कि अभी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो एक साल के अंदर अंदर डेफिनेटली फिक्स होने वाली है बहुत लोगों में से। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, एक साल बाद आप देखोगे कि जो भी यू नो प्रॉब्लम्स है वो हट गए और आप बहुत हद तक अभी सक्सेसफुली लाइफ को जी रहे हो। सब कुछ एसेट्स आपके पास हैं, इनकम सोर्स है आपके पास, ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है। अगर अभी लीगल इश्यूज़ से आप गुजर रहे हो तो वो भी एंडिंग हो जाएगी, ठीक है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। एक साल बाद आप रिलैक्स फील करोगे, फ्री फील करोगे कि फाइनली आपको जस्टिस मिला है, फाइनली आप फ्री हो चुके हो और आप यू नो किसी चीज़ को आपको कंटिन्यू नहीं करना पड़ रहा है। बहुत लोगों की आपकी यहाँ पर शादी हो सकती है,
ठीक है, इंगेजमेंट हो सकती है 1 साल के अंदर अंदर, या फिर यू नो 1 साल बाद आप देखोगे कि आप किसी के साथ कमिटेड ज़रूर हैं, या तो आप किसी के साथ कमिटमेंट में गए हो, या किसी के साथ इंगेजमेंट हो गई है, या आपकी शादी फिक्स हुई, या फिर शादी ही हो गई, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर मुझे दिख रहा है। तो आप में से बहुत लोगों की डेफिनेटली 1 साल बाद शादी हो जाएगी, आप सेटल डाउन कर जाओगे पूरी तरीके से, एक फैमिली पर्सन बन जाओगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, सब तक के लिए बाय बाय ग्रुप वन। हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस 9 of coins को कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि 1 साल बाद आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर होगे, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, ठीक है, किस तरीके के इंसान आप रहने वाले हो 1 साल बाद। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, साथ में इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करें। इंस्टा की आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पर आपको डेली स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगी। सो जरूर इंस्टा में भी फैमिली का हिस्सा बनिए। सो चलिए देख लेते हैं। तो आपने चूज़ किया है 9 of coins का कार्ड, 1 साल बाद मुझे यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है जिस चीज़ के लिए अभी आप एफर्ट डाल रहे हैं, जिस चीज़ के लिए अभी आप वेटिंग पीरियड में हैं, या फिर जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा विश करते रहते हो कि ये आपको मिल जाए, ये चीज़ आपके साथ हो जाए, 1 साल बाद आपको नज़र आएगा कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में है, वो चीज़ आपको मिल गई है, उस चीज़ में आपने सक्सेस कर लिया है, फिर जिस भी चीज़ के लिए आप अभी वेट किए जा रहे हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अगर कोई पर्टिकुलर जॉब चाहते हो वो मिल जाएगी, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में स्टडी करना चाहते हो, कोई डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, ठीक है, किसी एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो, कट ऑफ लाना चाहते हो, ठीक है, या किसी पर्सन का यू नो कम बैक चाहते हो, या फिर किसी न्यू लवर का वेट कर रहे हो। सो जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप एफर्ट डाल रहे हो, या जिस भी चीज़ के लिए आप यू नो होप रखते हो रात दिन कि बस ये काश मिल जाता, काश हो जाता, काश मिल जाए, फाइनली 1 साल बाद आपको नज़र आएगा कि आपके हाथ में, आपके ज़िंदगी में वो चीज़ है रियल लाइफ में, ठीक है, जो लोगों को भी नज़र आ रही है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे हो, किसी चीज़ में स्टेगनेंसी है, किसी चीज़ में फेलियर देख रहे हो अभी, तो जिस चीज़ की भी चाहत है मन में, वो चाहत आपकी पूरी हो जाएगी, वो चीज़ 3D लाइफ में आपके हाथ में होगी, आप उस चीज़ को पकड़ के रहोगे, यानी कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा होगा। 1 साल बाद आप चीज़ को देखोगे कि फाइनली यू डिड इट, ओके। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। वी हैव एंजाइटी नंबर 18, ओके। सो 1 साल बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए 18 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे हो सकता है, सोल पर्पस का नंबर हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ठीक है, या फिर यू नो आपके जून जुलाई अगस्त या फिर सितंबर, ये चारों मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। सो एंजाइटी से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 1 साल बाद आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने के चांसेस हैं, कुछ नया शुरू करने के चांसेस यहाँ पर है, और उससे मुझे लगता है कि 1 साल बाद आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, इतने ज़्यादा बिजी रहने वाले हो कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो भले मुझे दिख रहा है कि आप सक्सीड करोगे, जो चीज़ का वेट करे वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है, वर्कलोड आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 साल बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको देखिए एनजाइटी से मतलब ये नहीं है कि एनजाइटी हो जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग गलत मत समझिएगा, मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको रीड करके बता रही हूँ। तो 1 साल बाद आप देखोगे कि आप बहुत बिजी हो, आपको सोने का भी वक्त नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप मल्टीपल चीज़ों में रहोगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं आपको, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हो अगर एंटरटेनमेंट फील्ड वगैरह से हो तो, ठीक है, तो मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल वर्क आपको मिल रहा है और आप बस काम किए जा रहे हो, ठीक है, 16-16 घंटा, 18-18 घंटा, 20-20 घंटा हो सकता है कि आप काम किए जा रहे हो, ठीक है, अपने अर्निंग के लिए या फिर अपने यू नो करियर को और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। अगर स्टूडेंट रहोगे तब भी मुझे लग रहा है कुछ काम भी करोगे, तो पढ़ाई करते रहोगे बहुत घंटा, देन फिर काम भी करोगे। सो मुझे लगता है कि 1 साल बाद आप इतने ज़्यादा बिजी होने वाले हो, चारों तरफ से इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं कि आपको बिल्कुल भी चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा, और मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी लेजी है, मतलब आप थोड़ा सा ना लाइफ में आप चाहते हो कि आप इंजॉय करो और पैसे आपके पास आते रहें, आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाओ, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना ना पड़े, मतलब आप थोड़े से लेजी काइंड ऑफ मुझे दिख रहे हो, मतलब मेहनत कर लेते हो लेकिन आपको पसंद नहीं है मेहनत करना, आपको लगता है कि चीज़ें अपने आप हो जाती है और आप यू नो खुशी खुशी इंजॉय करते करते बिता देते तो अच्छा होता। तो वही मुझे नज़र आ रहा है कि 1 साल बाद आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यू नो
वर्कलोड आने वाला है, जिसके बाद आप यू नो बहुत टेंस रहोगे कि ओ माय गॉड हमने इतने ऐसा लाइफ मांगा था, लेकिन ये लाइफ तो बहुत ही हेक्टिक है, हमें तो सोने का वक्त नहीं मिल रहा है, हमें तो एक सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा, टाइम से कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा, पर्सनल लाइफ में फोकस करने का मौका नहीं मिल रहा, बस प्रोफेशनल लाइफ में ही हम सोचे जा रहे हैं कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है, कि यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। तो मल्टीपल ऑफर, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, मल्टीपल जॉब, या फिर यू नो स्टूडेंट के साथ साथ काम भी आप कर सकते हैं, एक साल बाद आपको नजर आएगा प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगा आपका, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपका ऐसा लगेगा कि अरे यार मुझे तो सोना था, मुझे तो आराम करना था। तो मुझे लगता है कि हेल्थ इश्यूज़ या फिर यू नो नींद पुराना होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको एक साल बाद थोड़े बहुत फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत एनर्जी जा रही है कि एक साल बाद आपका खुद का घर बन सकता है, या फिर आप खुद के लिए फ्लैट वगैरह परचेस कर सकते हो खुद का, ठीक है, अपने मेहनत से अपने कमाई से, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है बहुत लोगों के लिए। तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है हाई प्रीस्ट, वाओ। तो देखिए मुझे लगता है कि आप क्राउड के नोटिस में आने वाले हैं, ठीक है, एक साल बाद आप देखोगे या तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, या आपने कोई स्टार्टअप कर दिया है, या फिर आप एक पब्लिक फिगर बन गए हैं, ठीक है, और आपको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप इसी प्रोफेशन में हैं तो आपको नजर आएगा एक साल बाद आप अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हो, ठीक है, आप मतलब और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुके हो, अब अभी जितने हो उससे कई गुना ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुके हो, ठीक है। क्राउड के नोटिस में आप आने वाले हो, ज़्यादा फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है, और आप बहुत सारे लोगों को लेकर कुछ स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अपने लिए एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं, मुझे लग रहा है कि आप बिज़नेस वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर करते हो तो आप उस चीज़ में एक्सपैंड करने वाले हो, एक साल बाद आपको नज़र आएगा कि आपकी जो भी ब्रांड है, आपकी जो कंपनी है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड कर गई है, या फिर यू नो एक नेम बन गई है, ठीक है, जो लोग जिसको पहचान रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। पब्लिक फिगर बन जाओगे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पे लोग आपको देखने आएंगे, सुनने आएंगे, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। तो एक साल बाद मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप बिज़ी इसी वजह से होने वाले हो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इवेंट्स वगैरह मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे, एंड यू नो लोग पहचानेंगे बहुत। मुझे लगता है कि आपको यू नो बहुत ज़्यादा मीटअप्स, बहुत ज़्यादा इवेंट्स वगैरह में जाना पड़ेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप यू नो घर में चिल कर पाओ, सो पाओ आराम से, यू नो ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं। तो एक साल बाद मुझे लगता है बिल्कुल भी आपको आराम नहीं मिलने वाला, अभी जितना आराम मिल रहा है उतना आराम कर लो, बिकॉज ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि सबके नज़रों में आप आने वाले हैं, जो भी काम आप करते हैं, और डेफिनेटली लोग आपसे यू नो मुझे लगता है एक साल बाद आप अचानक से मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, या फिर आप यू नो कोई स्पिरिचुअल गुरु वगैरह भी बन सकते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल टीचर, जहाँ पे आप यू नो लेक्चर्स दे रहे हो, जहाँ पे आप टीचिंग्स दे रहे हो, या फिर जहाँ पे आप यू नो लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू नेम, फेम एंड लीडरशिप, ये एनर्जी मुझे एक साल बाद आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। We have six of cups. The star. Wow, guys, wow. Oh my goodness. Five of swords and brother next we have the hermit. Okay. Great. So एक साल बाद आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक romantic soulmate connection में पाओगे। आपको दिखेगा कि आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जिनके साथ आप बहुत खुश हो, मतलब आपको कोई भी गिला शिकवा नहीं रहेगा उस इंसान से, आपका ना उस पर्सन के साथ झगड़ा होगा, ना ईगो क्लैशेस होंगे, ना कुछ होंगे। तो एक साल बाद आप किसी न किसी कमिटेड रिलेशनशिप में किसी एक सोलमेट पर्सन के साथ, सोलमेट के साथ जिनके साथ आपकी हर एक चीज़ें मैच होगी, आप बहुत ज़्यादा कंपैटिबल फील करेंगे, उसके साथ आपका एक रिलेशन होने वाला है। तो आप एक साल बाद देखोगे कि आपके करियर में भी यू नो लाजवाब तरीके से ग्रोथ हुई है, और आपके लव लाइफ में भी लाजवाब तरीके से चेंजेस हुई हैं। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि एक साल बाद आप कहीं ना कहीं अपने किसी एक मिशन में भी लगोगे। मिशन मतलब कि अगर आपका कोई मन में इच्छा है कि मुझे इन लोगों को हेल्प करना है, या फिर मुझे फ्री में एजुकेशन देना है बच्चों को, ठीक है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर मुझे पेट्स के लिए कुछ करना है, तो ऐसा अगर आपके दिलोदिमाग में कोई एक प्लान है कि मुझे इस तरीके से फ्री तरीके से यू नो फ्रीली मदद करना है, किसी को फाइनेंशियली हेल्प करना है, तो मुझे लगता है फाइनली आपको मौका मिलेगा कि आप फाइनेंशियली या फिर यू नो कुछ सेटअप कर पाएं। खुद का एनजीओ भी हो सकता है कि आप एक साल के अंदर अंदर क्रिएट कर लोगे, या फिर बहुत हद तक आगे बढ़ जाएगी आपकी प्लानिंग।
और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितने भी एनर्जी आपने इन्वेस्ट की है यूनिवर्स में, जितने भी अच्छा काम आपने किया है, जितने भी गुड डीड्स आपने किया है इस लाइफ टाइम में, एक साल बाद उन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाला है। जितना भी पेशेंस आपने रखा है, जितने भी आपने अपने आप को संभाला है, उन सारी चीज़ों का रिवॉर्ड्स, उन सारी चीज़ों का अप्रिशिएशन आपको एक साल बाद मिलने वाला है। डेफिनेटली आपको एक साल बाद नजर आएगा कि जितने भी चीज़ों के लिए आपने वेट किया, तड़पा या फिर यू नो आप दुखी रहे, उन सारी वो सारी चीज़ें आपके पास खुद चल कर आई हैं, आपको उसके पीछे भागना नहीं पड़ा है। तो ऐसी वाली एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि कोई भी गिला शिकवा आपको एक साल बाद अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल नहीं रहने वाला है कि अरे यार ये चीज़ रह गई, ये हम नहीं कर पाए, या फिर ये चीज़ हमें अभी तक नहीं मिल पाया। ठीक है, सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक साल के अंदर अंदर मिल जाएगी और ये चीज़ एक मिराकल की तरह होगी। बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं है अपने लाइफ के ऊपर, अपने आप के ऊपर, कि पता नहीं चीज़ें होंगी या नहीं, या फिर जो आप सपने देखते हो, जो आप ड्रीम करते हो, वो शायद यू नो इम्पॉसिबल सा है। बट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि एक साल बाद मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वेल नोन फेस बन जाओगे, जहाँ पे लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, और यू नो जहाँ पर लोगों के लिए आप एक बहुत प्रीशियस इंसान या फिर यू नो गॉड की तरह होने वाले हो। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।